देखिए ये हैं स्पाइसी चटपटे बर्गर, बहुत ही ज़्यादा यमी। तो बर्गर का नाम सुनते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि बड़े हों या बच्चे सभी को बर्गर बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज हम बनाएंगे बर्गर, टिक्की बर्गर। तो जैसे हम मार्केट में खाते हैं सेम वैसे ही बर्गर आज हम घर पे बनाएंगे, और बस 5 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अपर्णा, वेलकम टू अपर्णाज किचन। और देखिए कितने ही यमी हमारे बर्गर हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए बनाते हैं और इसे देखते हैं कैसे बनते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने ये उबले हुए आलू लिए हैं 4 से 5, तो इस तरह से मैंने इन्हें कट करके बॉईल किया है। अब इसमें मैं मसाले मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें नमक मिक्स किया है, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ मिक्स करें। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी लाल मिर्च पाउडर, तो मसाले भी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं मिक्स करूँगी जीरा पाउडर। अब यहाँ पे मैंने 1 कप पोहे को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे मैंने सोक कर लिया है 2 मिनट के लिए। अब इस पोहे को आलू में ऐड कर देते हैं। अब इसमें जाएगा ये जिंजर, जिंजर को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। और अब इसमें जाएगी ये हरी मिर्च, तो 2 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। और आप इसमें हरी मिर्च की जगह आप काली मिर्च का पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। अब मैं मिक्स करूँगी इसमें काली मिर्च का पाउडर। मैं यहाँ पे आमचूर पाउडर मिक्स करूँगी, तो आमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाला भी मिक्स कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ वेज बिरयानी मसाला, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और जैसे भी आप टिक्की बनाना चाहें, स्पाइसी कम स्पाइसी, वैसे आप बना सकते हैं। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लूँगी। और आप इसमें धनिया पत्ते भी मिक्स कर सकते हैं। तो अब देखिए ये रेडी हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे इसकी स्लरी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ये लिया है कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, और अब मैं लूँगी 2 टेबल स्पून मैदा। तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदे से भी इसका घोल बना सकते हैं, क्योंकि हमें टिक्की को कोट करना है इसमें, तो मैदे से भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर मिक्स करूँगी, और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक मिक्स करूँगी। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसी क्वान्टिटी आप ले रहे हैं मैदे की उसी हिसाब से। और अब मैं यहाँ पे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर मिक्स करूँगी, और अब मैं इसका अच्छा सा घोल बना लेती हूँ। घोल ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए ना। और देखिए इस तरह से लम्स को तोड़ते हुए इसका घोल बना लेते हैं। और देखिए घोल की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। अब घोल हमारा रेडी हो गया है। तो देखिए टिक्की को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इसमें ब्रेड क्रम्स लिया है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप सूजी ले सकते हैं। तो आप चलिए टिक्की बना लेते हैं, और एक इस तरह से बड़ी सी टिक्की बना लेंगे, क्योंकि हमें टिक्की बर्गर बनाना है तो उसमें टिक्की इस तरह से बड़ी सी होनी चाहिए। तो इसकी टिक्की बना लेते हैं। और देखिए हमारी टिक्की भी रेडी हो गई है। तो इस तरह से मैंने ये 2 बना ली हैं, और अब चलिए इन्हें कोट कर लेते हैं ब्रेड क्रम्स में। और ब्रेड क्रम्स कैसे बनाने हैं इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लेना। ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ही आसान है, घर पे हम इजीली बना सकते हैं। और ब्रेड क्रम्स का यूज हम किसी भी रेसिपी में कर सकते हैं एक्स्ट्रा इसको क्रिस्पी बनाने के लिए। तो टिक्की को इस तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे, और फिर इस स्लरी में डालेंगे इसे। तो इस घोल में डिप करके इसे निकाल के एक बार फिर से ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे इस तरह से। ब्रेड क्रम्स की डबल कोटिंग हो जाएगी और हमारी जो टिक्की है बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कोट कर लिया है, और अब ये रेडी है फ्राई होने के लिए। तो अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसे फ्राई कर लेते हैं गोल्डन क्रिस्पी होने तक। और
देखिए हमारी जो टिक्की है क्रिस्पी हो गई है, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी और ये बहुत ही अच्छी से क्रिस्पी हुई है देखिए। तो ये देखिए दो बर्गर मैंने लिए हैं, बर्गर बन, तो इसे इस तरह से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप बर्गर बन को सेंक भी सकते हैं तवे पे दोनों साइड, तो मैं बिना सेके ही बना रही हूँ, तो आप सेक सकते हैं इसे थोड़ा सा घी या फिर बटर लगा के। तो देखिए बर्गर के चारों पीसेस रेडी हो गए हैं। अब मैं इस पर लगाऊंगी चटनी, तो आप चटनी लगा सकते हैं या आप इस पर लगा सकते हैं मेयोनीज़, या आप इस पर टोमेटो सॉस, कुछ भी लगा सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। तो आप इसमें जो भी लगा रहे हैं टोमेटो सॉस, केचप या फिर चटनी, उसे अच्छी क्वांटिटी में लगाइए ताकि खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगे। और देखिए मैंने यहाँ पे सॉस लगा दिया है टोमेटो सॉस, तो अब इसे अच्छे से इस स्पून से स्प्रेड कर देते हैं। और आप टोमेटो सॉस और मेयोनीज की अच्छे से डिप बनाकर इस पर लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है वो भी। अब इस तरह से इस पर वेजिटेबल्स हम इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी ली है, तो उसको इस तरह से मैं रख दूँगी। और ये पत्ता गोभी में मोटा सा पार्ट होता है नीचे की साइड, ये मैं निकाल दूँगी और इस तरह से मैं इसे रख दूँगी। अब इसके ऊपर रख देंगे आलू की टिक्की, तो इस तरह से दोनों पे रख देते हैं। और अब आलू की टिक्की के ऊपर आप मेयोनीज, केचप या फिर आप चटनी स्प्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से वेजिटेबल्स रख सकते हैं जो भी आपको पसंद है। मैंने यहाँ पे ओनियन और टमाटर लिए हैं, तो इस तरह से मैंने दो ओनियन के स्लाइसेस और दो टमाटर के स्लाइसेस इस तरह से मैंने इन्हें रख दिया है। तो दो पीसेस में मैंने लगाया है टमाटो सॉस और दो पे मैं स्प्रेड करूँगी मेयोनीज। तो मेयोनीज को भी अच्छी क्वांटिटी में ले लेते हैं और इस पर अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है वेज मेयोनीज, अच्छी क्वांटिटी में ले लीजिए ताकि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। और इस तरह से इसे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। तो आप चाहें तो दोनों पे आप चटनी लगा सकते हैं या आप दोनों पे केचप लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगा लीजिए, क्योंकि खाना तो खुद ही है, तो जैसा भी अच्छा लगे वैसा आप बनाइए। अब इस पीस को बर्गर पे इस तरह से रख देंगे और हमारा देखिए बर्गर रेडी हो गया है। तो देखिए डिलीशियस बर्गर रेडी हैं, तो आप इन्हें कभी भी इंजॉय करिए मॉर्निंग में, या फिर आप इन्हें कभी भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यमी है। तो आप इन्हें सेक भी सकते हैं, तो अगर आपको सेकना है तो बर्गर को पहले ही सेक लीजिए, मतलब बर्गर बन को पहले ही सेक लीजिए, बाद में इस तरह से असेंबल कीजिए और देखिए कितने ही ज़्यादा यमी लग रहा है हमारे बर्गर। तो जैसे ही आपको पसंद है आप बनाइए और इंजॉय करिए। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।